मेरा घर वो तो मुसाफिर खाना है। अज एक चला गया, दूजा आ गया, तीजा चला गया, चौथा आ गया। हाँ, आन जान में कोई साल लग जाते हैं, क्योंकि 50 साल का होकर जाता, कोई 100 साल का होकर जाता, पर जाते सारी है। पर आन में भी टाइम लगता है कि नवी रूह आती तो 9 महीने लैके माँ के घर में फिर जन्म लेती है, पर इन आना जाना ही कहते हैं। कोई आ रहा तो कोई जा रहा है। इसलिए जिंदगी सजाओ उस मालिक की याद नाल, इश्क नाल, मुहब्बत नाल। जे रविया के अंदर ऐसा इश्क सी, ऐसी मुहब्बत सी, अज जिक्र भी उदा ही किया जा रहा। नहीं तो सोचो दुनिया के लखा करोड़ा अरबा खरब इंसान जमे मरे, पर अच किसी होर ना याद आती है तो ना ही किसी का जिक्र किया जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी ऐसा बनाओ कि असं रहीए ना रहीए, पर धर्म साढ़े ऐसे हो कि लोग सूँ याद करेंगे वाकई भी वर्गा इश्क, वो वर्गी मुहब्बत, वो वर्गा प्यार, वो वर्गा विश्वास किसी का नहीं देखे। इसलिए इंसान अपने दुखों के रोने जो रोता रहता है, हाए 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 करता रहता, तो हाए हाए करने वाले को कोई याद नहीं करता। पर जिहड़ा पिंडियां दे बह के भी मुस्कुराता है, लोग मिसाल उन्हें ही दिंदे। सो तुसी मिसाल बन सकते हो, तुसी मिसाल बना सकते हो, अगर तुसी हर सिचुएशन में अपने मालिक दे विश्वास रखो, अपने मालिक दे इश्क दे प्यार दे रंग च ऐसे रखो कि दुनिया का कोई भी हालात, दुनिया का कोई भी तूफान या दुनिया की कोई भी टेंशन चिंता तुहानू हिला ना पावे, तुहाडे चेहरे ते हमेशा मुस्कुराहट रहे, फिर ही इंसान के जीवन खुशियां आ जाए। समझते हो? इसलिए कही दे ना, तू हस तू मुस्कुरा रोना छोड़ दे। हम एक चेंज किया थोड़ा जहा, पहले कहते थे तू हस तू मुस्कुरा रोना कम कर दे, मुश्किलें आए तेरी नाक में तो मुश्किलों की नाक में। पर उन्हें कहें कम भी क्यों करना छड़ी दी है, कम करने का मतलब पहले अं 24 घंटे रोंदे थे, हमें 2 घंटे रोंदे, कम कर दिता, कम भी क्यों करना छड़ी दी है। समझते हो? तू हस तू मुस्कुरा रोना छोड़ दे। समझ आई कि नहीं? तो बोले क्यों नहीं? तू हस तू मुस्कुरा रोना छोड़ दे, सारी मुश्किलें मिट जाएंगी, तू खुद को मालिक से जोड़ दे, बस सारी मुश्किल अपनी दूर हो जाएंगी। उसे जुड़ना जरूरी है, अपने आप को अपने मालिक नाल जोड़ दे, जुड़ जा। क्योंकि जो असि एक गल जानते हैं कि जो इंसान जो कहता ना मालिक मेरा मैं मालिक, ये मनण नाल ही इंसान दी सारियां टेंशन सारिया चिंतावान दूर हो जाऊंगा। जो विश्वास में ही गल मानी, जो साडे अंदरों ही आवाज चले ये मालिक मेरे मैं मालिक, मालिक मेरे मैं मालिक, मालिक मेरे मैं कह के देखो कि मजा आता है। तुम्हें आता ही नहीं आता, सानू बहुत आता है जो अंदरों आवाज आती है, क्योंकि ये आवाज दिलों निकलनी चाहिए है। चलो मालिक मेरे मैं मालिक, मालिक मेरे मैं मालिक, मेरे मैं मालिक, जो मेरे मैं होता है तो फिर सारी चिंता में होना। क्योंकि जो ईश्वर जो मालिक परमात्मा प्रभु मेरे नाल है, तो फिर को गल हमेशा याद रखो। एक गल ऐसी कही थी होंगी है, जब भी लगता है सिचुएशन कोई अजकल तो हम उत्थे पहुँच गए सोच के, हम नैगेटिविटी का कोई है ही नहीं, हर वेले पॉजिटिविटी। पर पहले पहले ऐसी जो कोई हालात बिगड़ने ना, जो मन में लगना एक गल कहनी, जब ईश्वर मालिक वो परमात्मा वो खुदा उन्हें तो अलग अलग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भरना किसी को मालिक कह रहे हैं, क्योंकि मालिक है नहीं परमात्मा। जब वो मालिक मेरे साथ है तो फिर मेरे खिलाफ कौन हो सकता है? कि जिन्हें दुनिया बनाने वाला जो मेरे नाल खड़ा तो वो बुराई कोई चीज़ मेरे खिलाफ, अगर ये सिचुएशन आई है तो मेरे खिलाफ नहीं है, ये मेरा कुछ भलाई करना आई है, ये मेरा कुछ बैटर करना आई है, मैंने कुछ सिखाना आई है तो सीखना आया, घबराना नहीं है, रोना नहीं है। समझ दो, अगर कोई दुख भी आता है तो खिलाफ ना समझो कि आया, ये समझो कि ये भी मैंने कुछ सिखाना है। समझ दो, इसलिए ये समझना सारे अपन मिसालों देकर समझा सकते हैं, क्योंकि दूजे मिसाल की देनी है। जब फर्ज करो साढ़े मोड़े दर्द से, तो हम डॉक्टर ने कहता पेट नहीं चकना, भार नहीं चकना, एक्सरसाइज नहीं करनी, बाह उपर नहीं करनी, यही सोचे डॉक्टर की मना गए, तो सारी जिंदगी ऐ बैठे रहेंगे। ये मुश्किल सिखाण की आई है, ये मुश्किल सिखाण आई है कि बाकी बॉडी ठीक है, ये मोटे का मसल वीक है, बाकी बॉडी ठीक है, मोटे का मसल वीक है।
ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਟੇਬਲ ਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟ ਤੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਚਪਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੁੱਡੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਰਾਟੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਲੱਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹੀ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵੀਕ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬੈਸਟ ਪਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਲਟਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਜੀਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਖੇਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨਾ ਬੈਸਟ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਛੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ 16 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 285 ਰਨ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 200 ਸਾਡੇ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆ ਡਰਨਾਰਾ ਡਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ 25-26 25 ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ 4 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ 21 ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇ ਕਾਂਜੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਲ ਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਖਣ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੇਖੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗ ਦੇ ਘੱਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੀ
चैलेंज लो या कुछ भी लो, इदा लो चैलेंज भी कहूँ कि मैं दस रहा मेरा सुधार करने की खातर कह रहा कुछ चैलेंज तो होंगे कि मैं कोई चैलेंज करना कि मैं कराना मैं कराना है उत्थे भी समझो कि मैं कुछ दस रहा है कि मैं एक ज्ञान दे रहा कि तेरे अंदर आ कमी है समझ लो दूर करिए आगे बेस्ट बन सके हम जो वर्द करो गिल कोई कहे कि तू स्पीच दिता है इतने इदा करना है ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਉ
सकते पर अगे उन्ने ही बढ़ते जाओगे जिन्ना तुसी अपनी कमियां स्वीकार करते जाओगे और उन्होंने दूर और मदद करो। आईफोन है कोई स्टीव जॉब्स कहता से कोई भी कमी मैं लिख के दसो और खास वो ईमेल पढ़ता हूँ जितने ना इदा रिव्यू आते जो लोग नुक्स दसते कि तुहाडे फोन चाह नुक्स है वो कहते खूबी वाली ईमेल नहीं मैंने दिखाई कि जिस तारीफ की गई है मैं वो ईमेल दिखाओ वो मैसेज दिखाओ जिस उन्होंने कमी कटी है कि तुहाडे मोबाइल चाह कमी है कहते खूबी का की है वो तो है ही कमी का मैं पता लगना चाहिए ताकि नैक्सट जो मॉडल आना है वो कमी पहला आया कि बैटरी बड़ी घट जाती थी गर्म जल्दी हो जाता से शुरू शुरू फिर उन्होंने कमी दूर किया तो जे हम पता मोबाइल गर्म होता तो मोबाइल गर्म ही रहता बंदा आप ही गर्म होने दस लगा बताया बड़ा है तो फिर वो कमी दूर होनी सी तो जो आप गर्म ना हो कमी को दूर करो समझदार बनना है अगे बढ़ना है अच्छा दस तुम कहते जिंदगी बैटर हो सकती है जिंदगी बेस्ट हो सकती है फिर तुम होर मजबूर हो सकते ये कुदरत हर वेले मजबूत बना रही है हर वेले मोरे मुश्किल सिचुएशन मुश्किल सिचुएशन खड़ी करके ना कुदरत हर वेले स्ट्रॉन्ग बना रही है कि तुम होर मजबूत हो सको पर इंसान है कि ना मुश्किलों का लड़न की बजाय ना मुश्किलों को दौड़ता है अगर लड़ लवो तो फिर की होएगा हम अगर कॉम्पीटिशन हो एक चैंपियन के सामने बड़ा चैंपियन खड़ा किया जाए अगर उन्हें लड़ेगा बेशक हार जाएगा पर नॉलेज बढ़ेगी हिम्मत बढ़ेगी हौसला बढ़ेगा अगर उतो ही डर के दौड़ जाए तो सारी जिंदगी डर डर के ही अगर असं फिर कहे कि मुश्किल परेशानियां बीमारियों को रोगों को डरीए ना बल्कि समझ लीए कि जो प्रॉब्लम आई है तो कितना ना कि मेरी वीकनेस है जो ये सवाल मेरे अगे आया और मैं जवाब नहीं है तो मैं घबराना नहीं है बल्कि मेरी वीकनेस है कि मैं यदा जवाब नहीं पता हूँ मैं जवाब लभ के अपने आप होर स्ट्रोंग बनाना है ताकि सिचुएशन को मैं आराम ना हैंडल कर सकता सो मालिक तुहाडे रहमत रखन हिम्मत देन ताकत देन कि तुसी बेस्ट बन सको अपना बेस्ट वर्जन बनो तुसी और एक बार फिर राजू धर्मपाल सारे नू बहुत बहुत बधाई बहुत अभी पहुंची है चांदिया दरबार में अभी आनंद लै रहे हैं बहुत आनंद लै रहे हैं बहुत आनंद आया भी है लंगर बनाया लंगर वालों कांटिया मंगाया मालक जी ने भोग लगाए वाकई दर्शन भी समझदार निकले फलाउन लाइन जो चलो बहुत अच्छी गल है ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਾ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਨਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਸਟ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ
बेस्ट पढ़ के चलना पड़ता है, क्योंकि जैसे अगे जा रहे हो ना अगे बधे तो तुम उत्थे रह जाओगे, अभी बहुत अगे निकल जाओ। इस करके जब फिर कहो कि मनुष्य के नाल चलना है तो फिर वो चाल के मुताबिक ही चलना पड़ता है। जो चल रहा है तो सानू भी थोड़ी यात्रा करनी हो कोई थाके बह गए अस बस तो मार के चली जा रही तो पिछले रह जाओगे, चाहे हुशियारपुर तक की यात्रा हो चाहे रात यात्रा ही लगे हो, पहली तरीक रात यात्रा हो साढ़ा रात जा रहे हैं तुम बह जाओ थक गए बस तो फिर मेल होएगा कोई तो जो बंदा रात के नाल नाल चले ना दर्शन करे नाले नाल नाल चले कि जिते रात रुकना यही रोके जिते रात चल पे असं तो मेरे का मतलब हम मार करें नाल इतनी रात के नाल नाल इस तरह मार्ग के जीवन च भी बेस्ट होने के नाते भी असं बेस्ट बनाते चले जाइए अच्छा करते चले जाइए हंसते मुस्कुराते जाइए तो कि नाल नाल जाइए बैठे समझा जी। चलो सदा खुश रहो फिर हम टाइम का भी हो गया हम लंगर भी तैयार है चाह भी तैयार है भुख भी लागे होनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा तो इदा के होंगे जिन्होंने चाह पीते बिना सवेरे वो नहीं होगी पर हम मुड़ चाह दादे शब्द ना सुना नहीं लोगों ने हर जगह चाह ही बना के दिखा करते हम दस दिए पहला पीते होंगे अजक मुड़ी चाह ही बंद की हुई ठीक है। सो इसलिए अजक असं वोट नहीं कभी वोट पीते ठीक है गौ मज का दुद्ध नहीं होट्स मिल ठीक है इसलिए समझ सारे ने खुश रहो बस ये आनंद लो असर मुस्कान वास्ते ही ठीक है सर खुश हो फिर कह दे मैं बहुत अपनी रहमत अपनी बख्शिश अपनी कृपा हमेशा बनाए रखन इन्हों इतने ही ताकत देंदे रहन कि जिदा हर साल ये प्रभात फेरिया घर बुला के पूरे नगर को या सानू सारे आनंद लैन का मौका देंदे है मालिक इतनी ताकत देंदे रहन इन्हें कमां कारज बरकता पावन सारे जीवन तंदुरुस्ती देन और अपनी रहमत इन्हें बनाए रखन कि इन्हें मौके मिलते रहने खुशियां इस घर के सदा आदि रहन और मालिक इस तरह इन्हें रहमत रखन के कभी बोलन मंगन बेनती करन की जरूरत ना पवे और सदा मालिक की रहमत खुशियां बरकतों के नाल घर भरपूर रहे और आने वाला हर पल इन्होंने वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां लैके आवे ये सारी संगत रखे इन्होंने वास्ते अरदास करो बेनती करो। सो मालिक अपनी रहमत सब ते बनाए रखन पटिया सब दिन लंबिया उम्र हो तंदुरुस्ती मिले खुशियां मिलन कमां कारज बरकत हो और प्यार विश्वास का रंग बढ़ते चढ़ता चला जाए यही साड़ी मालिक के चरण अरदास बेनती है। सो सदा खुश रहो मालिक की रहमत मालिक का आशीर्वाद हमेशा नाल है अपने जीवन को सुंदर बनाओ अपने मालिक की याद नाल उहदे प्यार नाल ताकि तुहाडा घर भी सुंदर बने और तुहाडी जिंदगी भी सुंदर बने क्योंकि जिथे उहदी याद है जिथे उहदा प्यार है विश्वास है फिर सारिया खुशियां सारिया रहमतां उत्थे ही है। सो आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते खुशियां भरिया होवे यही साडी मालिक दे चरणां दे अरदास बेनती है। सो सदा खुश रहो जय मालिक जय मालिक जय जय।